कुछ लोग हमेशा कंगना रनौत के पीछे पड़े रहते हैं और उनकी आलोचना करने का अवसर ढूंढते रहते हैं। कंगना की रंगून और सिमरन फ्लॉप हो रही हैं और उड़ाने वालों ने उड़ा दी कि कंगना की अगली फिल्म मणिकर्णिका का बजट कम कर दिया गया है। ये फिल्म 80 करोड़ रुपए के बजट में बनाई जा रही है, लेकिन कंगना की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस परिणाम देखते हुए बजट अब कम किया जा रहा है, क्योंकि कंगना अब बॉक्स ऑफिस कमाऊ सितारा नहीं है। जब ये बात फिल्म के निर्माता कमल जैन के पास पहुंची, तो वे नाराज हो गए और उन्होंने इन बातों को बकवास करार दिया। उनका कहना है कि मणिकर्णिका उन्होंने रंगून के फ्लॉप होने के तुरंत बाद शुरू की थी, वो तो सिमरन से भी बुरी तरह फ्लॉप हो रही थी। जब हमने कंगना पर विश्वास जताया है तो इन फिल्मों के फ्लॉप होने से हमारी फिल्म के बजट में कोई कटौती नहीं होगी। वैसे फिल्म का चलना या न चलना कहानी, स्क्रिप्ट, निर्देशन और विषय पर निर्भर करता है, और किसी भी फिल्म के फ्लॉप होने का दोषी मात्र कलाकार को ठहराना गलत है।